तो आज क्लास दस हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 6 का हम लोग आज वीडियो 3 का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो आज पाठ का जो प्रश्न है पृष्ठ संख्या 124 उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 से कहता है, ब्रीकाणु जिसको हम नेफ्रान भी कहते हैं, यानी ब्रीकाणु या नेफ्रान की रचना तथा उसके क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। पहले कह सकते हैं, ब्रीकाणु के ऊपरी सिरे पर कप के आकार की रचना होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। ये सब आपको लाइन बाय लाइन याद करना है कि ब्रीकाणु के ऊपरी सिरे पर कप के आकार की एक रचना होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट का निचला सिरा नली के आकार का होता है जो मूत्र संग्राहक नलिका में खुलता है। बोमन संपुट में बहुत पतली भित्ती वाले रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। समझ गए, पुनर्अवशोषण हो जाता है। आइए देखिए, यही इसका चित्र है। आप चित्र भी देख रहे हैं, जो नेफ्रान होता है उसका ये चित्र आपके सामने दिया गया है। देखिए, लिख सकते हैं कि एक ब्रीकाणु की रचना, और इसमें देखिए क्या क्या होता है ना, ये संग्राहक वाहिनी है जो आप ये देख रहे हैं, ताना खाना आपको दिखा रहा है। और यहाँ पर सबसे ऊपर वाला भी हम लोग पढ़े थे कैप वाला, ब्रीकाणु का जो नलिकाकार भाग है वह इसको कहते हैं, इसको कोशिका गुच कहते हैं। ये बोमन संपुट जो एकदम कप के आकार का था अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये ब्रिक यहाँ पर होता है। धमनी की शाखा ये यहाँ पर होती है, ब्रिक सिरा की शाखा होती है, फिर ब्रिक धमनी होती है। तो इस तरीके से यह एक ब्रीकाणु की क्या है, रचना है। तो अगर ब्रीकाणु के बारे में ही पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 2 के पास। प्रश्न 2 कहता है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आने की इसकी चांसेस है। तो कहता है कि उत्सर्जित पादप से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि उत्सर्जक पदार्थों से युक्त मुक्ति पाने के लिए पादप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहला आपका होता है अनेकों उत्सर्जक उत्पाद कोशिकाओं के धानियों में भंडारित रहते हैं। पादप कोशिकाओं में तुलनात्मक रूप से बड़ी धानियां होती है। दूसरा, कुछ उत्सर्जक उत्पाद पत्तियों में भंडारित रहते हैं, पत्तियों के गिरने के साथ वह हट जाते हैं। तीसरा, कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे रेजिन या गम विशेष रूप से निष्क्रिय पुराने जाइलम में भंडारित रहते हैं। कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे टेनिस रेंजिंग गम छाल और में भंडारित रहते हैं, छाल में उतरने के साथ हट जाते हैं। और पांचवा कह सकते हैं, पादप कुछ उत्सर्जक पदार्थों का उत्सर्जन जड़ों के द्वारा मृदा में भी करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसको आप बता सकते हैं। आइए उसके बाद से अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड में आ सकता है। कहता है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो कह सकते हैं, मूत्र की मात्रा पानी के पुनः अवशोषण पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। ब्रीकाणु नलिका द्वारा पानी को मात्रा का पुनः अवशोषण निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पहला, शरीर में अतिरिक्त पानी की कितनी मात्रा है जिसका निकालना है, जिसको क्या करना, निकालना है। तो पहला आपको कहता है, शरीर में अतिरिक्त पानी की मात्रा कितनी है जिसको बाहर निकालना है। जब शरीर के उत्कों में पर्याप्त जल है तब एक बड़ा मात्रा में तनु मूत्र का उत्सर्जन होता है। तब बहुत मात्रा में तनु मूत्र की उत्सर्जन होता है। तो जब मन उत्सर्जन होता है, जब शरीर के उत्कों में जल की मात्रा कम है तब सांद्र मूत्र की थोड़ी सी मात्रा उत्सर्जित होती है। दूसरा, कितने घुलनशील उत्सर्जक विशेषकर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल तथा लवण आदि का शरीर से उत्सर्जन होता है। जब शरीर में घुलनशील उत्सर्जक की अधिक मात्रा हो तब उसके उत्सर्जन के लिए जल की अधिक मात्रा को आवश्यकता होती है, अतः मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है।
अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। तो अब आजकल हम लोग वीडियो नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखना। अभ्यास प्रश्न के पास हम लोग चले आए हैं। प्रश्न ये कहता है कि मनुष्य में वृक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, किसका? तो उत्सर्जन, याद होगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग किडनी भी कहते हैं। प्रश्न ये आया कि मनुष्य में वृक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, तो आपका आंसर जो होगा उत्सर्जन से हो जाता है। प्रश्न 2 कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, देख रहे हैं ना, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जिसमें पहला ये कहता है जल का वहन के लिए, दूसरा भोजन का वहन के लिए, और सी है अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का 4 नंबर है वहन, तो जल का वहन के लिए। तो पादप में जो जाइलम होता है, आपको अभी पढ़ाया गया था कि जो जाइलम होता है पेड़ पौधों के जड़ में पाया जाता है, जो कि जमीन से जल और खनिज लवण खींच करके पेड़ पौधों को देता है। उसके बाद से 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जिसमें ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी दिया है क्लोरोफिल, सी दिया है सूर्य का प्रकाश, डी दिया है उपयुक्त। तो स्वयं पोषी के लिए उपयुक्त सभी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, ये भी चाहिए, जो कि पेड़ पौधे के जो वातावरण है उससे खींचा जाता है, हमें जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो इसीलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर कहता है कि पाइरूवेट, याद करो हम लोग पढ़े थे, कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह की क्रिया होती है उसका द्रव में कि माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में कि केंद्रक में, तो माइटोकांड्रिया में आप बता सकते हैं। यानी जो पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है माइटोकांड्रिया में, सही हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और ये प्रक्रम कहाँ होता है? तो ये कह सकते हैं वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, ये कह सकते हैं वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। दूसरा कह सकते हैं क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, ये बता सकते हैं। अच्छा, कुछ और आगे चलते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, इसके बाद से कुछ और लिखा गया है 3 नंबर, कि लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। याद करो, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो इमल्सीकृत क्रिया है किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं इसमें कि लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण इन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। अच्छा, एक और आपका 4 नंबर भी कह सकते हैं, इसमें पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। और 5 नंबर, लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसराल में परिवर्तित कर देता है। देखिए, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में, कि लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा को किस में बदलता है? तो वसा अम्ल तथा ग्लिसराल में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद से 6 नंबर भी कह सकते हैं कि जो पाचित वसा अंत में आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेता है। तो आपने देखा, जो पाचित वसा अंत में आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेता है, तो ये भी पूछा जाता है, तो बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो आप कह सकते हैं कि लार एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च प्लस सेलावरी एमाइलेज, और जो दोनों मिलते हैं तो शर्करा का निर्माण होता है। उसके बाद से जटिल अणु, सरल अणु, ये सब होता है। उसके बाद से लार भोजन के नम करता है, और भोजन को बड़े से छोटे आकार में बदलने का भी काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, कल से हम लोग प्रश्न 7 से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।